हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इट इज नॉट रिलेटेड टू कोलकाता मेट्रो। अभी मैं जा रहा हूँ कल्याणी जा रहा हूँ। सो आज का जो वीडियो है वो कल्याणी एक्सप्रेसवे उसके ऊपर है कि कितना काम हुआ है। ये आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में, यहाँ पर रोड थोड़ा सा इधर हो रहा है, ब्रॉड कर रहे हैं। और जो कल्याणी एक्सप्रेसवे जो होगी ये इधर लेफ्ट साइड से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। लेफ्ट साइड दिखाना, इस साइड में यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। ये इधर दिखाना, इधर ये सीधा सीधा यहाँ से एंटर होगा बेलगोरी एक्सप्रेसवे पे। तो इस समय मैं हूँ बेलगोरी एक्सप्रेसवे, और ये जो आप देख रहे हैं इधर में लेफ्ट साइड में, इधर में भी काम चल रहा है। तो यहाँ पर पिलर्स बन रहे हैं अभी। सो वो जो रोड होगी मेरे ख्याल से वो यहीं पे कहीं पे आगे एंड हो जाएगी। सो जब ये पूरा कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तब आप समझ लो कि कल्याणी से लेके कल्याणी एक्सप्रेसवे वो बेलगोरिया एक्सप्रेसवे पे जाकर एंड होगी। अभी तो उस साइड से अभी काम नहीं हुआ है। अभी उधर से एंट्री नहीं है। अभी आगे से हम लेफ्ट लेंगे, फिर निमता होते हुए कल्याणी एक्सप्रेसवे पे हम आएंगे। ये आप देख सकते हैं इधर में सारा काम चल रहा है अभी, तो इसीलिए एक साइड का रोड अभी बंद है। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी कहाँ से हम लोग लेंगे लेफ्ट। सब वो वाला पॉइंट आने वाला है, ये है सिग्नल, और यहां से हम लेंगे लेफ्ट टर्न। तो अब हम यहां से बेलगोरिया एक्सप्रेसवे हमने कर लिया एग्जिट, और अब हम ये अंदर होकर हम निकलेंगे कल्याणी एक्सप्रेस वे पे। अब मैं आपसे मिलता हूँ सीधा कल्याणी एक्सप्रेसवे पे। सो गाइस, अब हम कल्याणी एक्सप्रेसवे पे आ गए हैं, और ये जो आप देख रहे हो ऊपर जो पिलर्स हैं, तो ये बेसिकली ये आपका वहीं से आ रहा है, पीछे बेलगोरी एक्सप्रेसवे से आ रहा है। और ये जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा अब इस पे आपका वो आएगा, वायडक्ट आएगा, प्लस तो बन गए, तो ये सीधा जाएगा बेलगोरी एक्सप्रेस वे। और इधर से अभी हम तो हम जा रहे नीचे से जा रहे हैं, तो अभी ये टोटल जो डिस्टेंस है आई गेस 35-40 किलोमीटर का है। एंड जो ये टोटल डिस्टेंस है जिसमें से अभी मेरे ख्याल से थोड़ा आगे तक कभी काम हो रहा है, ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा अभी रिमेनिंग है। इसीलिए अभी तो गाड़ियां जाती नीचे से आती है, अभी वन वे किया हुआ है, तो आई गेस इसको पूरा कम्प्लीट होने में लग जाएगा एक साल। थोड़ा मेला समझ लीजिए आपकी 5-7 किलोमीटर का एरिया है वो अभी कम्प्लीट नहीं है। बीच बीच में भी कुछ ऐसे पैचेस है जो अभी कम्प्लीट नहीं हुए। तो वो सब जो पैचेस है वो मैं आपको दिखाऊंगा, अभी तो आप देख लो। तो हाई वर्जन्स है काफी सारे। अभी मेरे ख्याल से बैरकपुर से लेके कल्याणी तक बीच में एक जगह कहीं है हाई वर्जन, वो पूरा है, वो स्टेज पूरा मतलब कंप्लीट है और ऑपरेशनल है। अभी ये सब एरिया में काम चल रहा है। ये कौन सा एरिया है, आई गेस ये वाला ये एरिया होगा, डोगर पाड़ा होगा। ये आप देख सकते हैं ये साइड में सारे डाइवर्जन है। ये ये
ये वाला है ओरिजिनल एक्सप्रेसवे है, ये लेन बेसिकली फोर लेन को ये चौड़ा कर रहे हैं, छह लेन कर रहे हैं अभी। जैसे यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्जन है, इधर में भी जिस लेन पे काम चल रहा है, तो ऐसे ही आगे तक थोड़ा थोड़ा ऐसे ही रहेगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर राइट साइड में, तो यहाँ पे भी अभी जैसे ये ऊपर से एक छोटा सा बनेगा फ्लाईओवर टाइप, ये मतलब ये जो जो स्ट्रेच है बैरकपुर से थोड़ा पहले तक, ये अभी इनकम्प्लीट है, तो इस पे अभी काम वाम हो रहा है। अभी कब कब तक खत्म होगा आई डोंट नो, बट जो मुझे लग रहा है एक साल तो आराम से, जब ये पूरा कम्प्लीट हो जाएगा तब तो फिर ये बहुत अच्छा एक्सप्रेस वे बन जाएगा, क्योंकि आगे कुछ जगह पे 4-4-8 लेन्स है, कहीं पे 6 लेन है, कहीं पे 4 लेन है, तो अभी ये वाला जो लेन है जो उधर वाला लेफ्ट वाला अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए अभी ट्रैफिक पूरा ही साइड पे वन वे है। ये मेरे ख्याल से ये जोधपुर एरिया होगा, जोधपुर का होगा कोई साइड ये। सो गाइस ये आप जैसे देख सकते हैं राइट साइड पे, तो ये ऐसे फ्लाईओवर है जो भी बन रहा है, रोड क्लोज्ड है इसलिए हम लोग को जाना पड़ा नीचे से। सो ऐसे कुछ कुछ हैं जगह है जहाँ पे फ्लाईओवर टाइप बन भी गया है और कहीं पे अभी बन रहा है, तो ये सब चीजें हैं जो अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है। और ये बेसिकली KMDA के अंडर आता है, कोलकाता मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इसका NHAI से कुछ भी वो लेना देना नहीं है। NHAI के अंडर होता तो आई गेस काम अब तक हो जाता कंप्लीट। KMDA एक्चुअली लोकल स्टेट बॉडी है, तो इसलिए थोड़ा सा मेरे ख्याल से टाइम लग रहा है, बट आगे तो हो चुका है। बैरकपुर से तो ऑलमोस्ट बीच में एक जगह पे कच्चा पड़ा है, वहां पर थोड़ा सा नहीं हुआ है, आगे सब यहीं से मेरे ख्याल से चालू हो जाएगा। हाँ, यहीं से एक्सप्रेस वे अब स्टार्ट हो जाएगा मेन वाला। प्रॉपर एक्सप्रेस वे आज जो हमारा कैमरा मैन है वो थोड़े से मौसीकी है, उनको थोड़ा सा मेरे को ट्रेन की पड़ रही है। ये देखिए कंडीशन एक्सप्रेस वे का, ये है आराम से, ये जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो गाइस ऐसा रहेगा, ब्यूटीफुल एक्सप्रेस वे। बेसिकली मुझे लगता है कल्याणी में तक बनाने का रीजन ये भी है कि कल्याणी में एम्स है, सो काफी पेशेंट्स होते हैं, तो उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा जब भी पूरा हो जाएगा कंप्लीट। और ये तो अभी सिक्स लेन है, देखिए फोर लेन हो गया, और इस साइड में अभी रोड वो हो रही है, वाइडन हो रही है, सब है यहाँ पे फोर लेन को ये लोग वो कर रहे हैं सिक्स लेन बोथ साइड। मैं आपको दिखाऊंगा इस साइड में, तो इधर में देखिएगा काम चल रहा है। छोटे छोटे जो पैचेस है ये जब सारे हो जाएंगे कंप्लीट, फिर इस एक्सप्रेस वे पे गाड़ी लाने का जो
मजा आएगा वो अलग ही रहेगा। सो गाइस जैसे ही वो वाली रोड खत्म हुई, अब देखिए इधर में फिर से एवर्जन आ गया यहाँ पर, और वो आपका बन रहा है फ्लाईओवर बन रहा है इधर। सो ऐसे है, मतलब मैं बता रहा हूँ बैरकपुर तक ऐसे रहेगा, थोड़ा सा आपको फ्लाईओवर मिलेगा एक्सप्रेस वे, थोड़ा फिर आपको नीचे जाना पड़ेगा। और जो ये रोड जो है नीचे से जाती है, सर्विस रोड है ये, अच्छी नहीं है सर्विस रोड, मैक्सिमम जो है सारी कंडीशन सही नहीं है, ऐसी है खराब कंडीशन में है। तो अगर आप आ रहे हैं तो एक दिमाग में ये चीज आप रखिएगा कि जो सर्विस लेन है वो आपको मिलेगी नहीं, अच्छी नहीं मिलेगी, गड्ढे भी बहुत रोड में हैं। ये पूरा सर्विस लेन आगे खत्म होगी जब ये फ्लाईओवर जहाँ पे एंड होगा, फिर वहां से फिर से स्टार्ट होगा। बेसिकली पहले क्या था ना, पहले पूरी रोड बनी हुई थी, फ्लाईओवर नहीं थे, अब इन्होंने प्रॉपर एक फ्लाईओवर टाइप का ये बना रहे हैं अब जगह, तो इसीलिए बहुत गड्ढे हैं। स्टार्ट हो रहा है दोबारा से, फ्लाईओवर कह रहा हूँ, एक्सप्रेसवे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो गया। कल्याणी एक्सप्रेस वे फेमस है एक्सीडेंट्स होने के लिए, बहुत एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है ना कि जब ये फ्लाईओवर जब एक्सप्रेस वे आ जाता है तो लोग गाड़ी 140 150 तक खींच देते हैं। तो प्लीज कोशिश करिए 100-110 से ज्यादा नहीं जाइए, क्योंकि अगर सामने कभी कभी काफी, अभी जब मैं वापस अभी मैं आया हूँ, आगे एक एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें गाड़ी रॉन्ग साइड से थी, कोलिजन हो गया था उसका, तो रॉन्ग साइड से यहाँ गाड़ियाँ बहुत आती हैं, बाइक वाले आ जाते हैं रॉन्ग साइड से, तो इसलिए आप कितना आपका स्पीड होना चाहिए कि अगर कोई सामने से आए तो आप गाड़ी को कर सके कंट्रोल। देखिए जैसे यहाँ पर है, ये साइड में ट्रक खड़ी है, ये देखिए ये बस आ रही है रॉन्ग साइड से, तो इसीलिए आप जब भी आप गाड़ी ड्राइव करें, क्योंकि ये एक्सप्रेस वे है लेकिन लोकल ट्रैफिक बहुत रहता है, तो इसलिए और कोई भी कभी भी ना रोड क्रॉस भी कर सकता है, इसलिए कोशिश करें कि 80 से 100, हाँ उससे ज़्यादा नहीं रखें स्पीड। जब आप प्रॉपर एक्सप्रेस वे या जब आप प्रॉपर रहे हाईवे पे, उस पर तो चलता है 120 तक। एक ही है, सावधान रहे, सतर्क रहे। गाइस ये देख सकते हैं बैरकपुर 3 किलोमीटर, कल्याणी 26, 12-7-11, और बैरकपुर अभी आ गया है। यहाँ पे भी रोड डाइवर्ट हो रही है, इधर में भी आपका वो बन रहा है फ्लाईओवर बन रहा है, बट यहाँ इस साइड में सर्विस लेन ठीक है, ये रोड सही है, उधर पीछे रोड बहुत खराब थी। तो लेफ्ट में बैरकपुर है, राइट में 12-7 है।
मेरे ख्याल से यहाँ के बाद फिर रोड एकदम मेरे को मिलेगी, स्ट्रेट मिलेगी, बीच में एक जगह बस शायद डाइवर्जन है। तो यहाँ की जो सर्विस लेन है उसका रोड अच्छा है, सही है, पीछे वाला तो रोड खराब था। तो ये देखिए इधर अभी पूरा ये हो रहा है, बन रहा है, अभी फिर से आ गए हम एक्सप्रेसवे पे। एंड गाइस मेरा एक और चैनल है मेट्रो बीस के नाम से, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है उस चैनल को करें, सब्सक्राइब करें, वो ट्रैवल रिलेटेड है तो उस पर मैं व्लॉग्स डालता हूँ। तो जिन्होंने नहीं किया है वो प्लीज करें, मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड ऐसे भी आप सर्च कर सकते हैं मेट्रो बीस्ट BEAST METRO BEAST। एंड जिन्होंने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है इसको भी कर ले सब्सक्राइब। एंड सब्सक्राइब जब आप करते हो तो वो दबा दिया करो बेल बटन, उससे क्या होगा मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। ये जो पार्ट है, ये स्ट्रेच है, ये मेरे ख्याल से सबसे ब्रॉड है, यहाँ पे रोड बहुत ज्यादा ब्रॉड है। ये आपको पता नहीं, मुझे लग रहा है ये 844 लेन है, 6 लेन तो है, 33। अभी डिवाइडर की पार्किंग नहीं हुई है, ये आप देख सकते हैं, ऐसे होता रहता है, इसलिए स्पीड को कंट्रोल में रखें ताकि अगर कुछ सामने से ऑब्स्टेकल आए तो आप गाड़ी को आराम से कंट्रोल कर लें। यही अगर मैं इस समय गाड़ी स्पीड 120 होती ना तो ये कंट्रोल नहीं हो पाता। देखिए अभी बाइक वाला आ रहा है, ये ऐसे ही होता है, इंडिकेटर देखे सामने से भी एक साइकिल वाला आ रहा है, एक बाइक वाला आ रहा है। आई डोंट नो क्या इनको होता है, क्यों ये ऐसे आते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे रोड है 4 लेन है, ये एक्सप्रेस वे, ये जो पार्ट है ये पुराना वाला रोड है। तो आप ये भी देखिए साइड में अभी वाइड हो रहा है, अगर मैं आपको इधर से दिखाऊं तो इधर में भी रोड बोथ साइड, अभी ये 4 को कर रहे हैं, 6 लेन कर रहे हैं, रोड चौड़ी हो रही है। तो जहां जहां पे इन्होंने 4 लेन का रखा है वो उसको 6 लेन कर रहे हैं,